हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक हियरिंग, जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस में वन ऑफ द स्टेजेज है, जो थर्ड स्टेज है पब्लिक कंसल्टेंट, उसमें जो पब्लिक हियरिंग करानी होती है जिन प्रोजेक्ट्स को, जो प्रोजेक्ट ए टाइप और बी में बी वन प्रोजेक्ट जो रहते हैं उन्हें पब्लिक हियरिंग में जाना होता है। तो पब्लिक हियरिंग की डिटेल पूरी प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, एप्लीकेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करना होगा एसपीसीबी या जो यूटीपीसीसी, जो यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो रहेगी उस एरिया की, अगर यूनियन टेरिटरी है तो, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल अगर स्टेट है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। जब एमओएफ में जब एप्लीकेशन सबमिट की थी फॉर्म फर्स्ट में और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, तो एमओएफ टीओआर टोर इशू करता है टर्म ऑफ रेफरेंस। उस टर्म ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसकी पॉइंट्स लेते हुए एक ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनेगी। उस ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनने के बाद एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करेगा एसपीसीबी को। एसपीसीबी को रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करने की डेट से 45 डेज़ के अंदर एसपीसीबी को या यूटीपीसीसी को पब्लिक हियरिंग कंप्लीट करानी है। जब एप्लीकेंट रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करता है तो उसके साथ क्या क्या पूरी प्रोसेस कैसे रहती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। द एप्लीकेंट सेल एनक्लोज्ड विद द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एट लीस्ट 10 हार्ड कॉपीज एंड एन इक्विवेलेंट नंबर, मतलब 10 हार्ड कॉपीज रिक्वेस्ट लेटर की 10 हार्ड कॉपीज देनी है और 10 सॉफ्ट कॉपी देनी है ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट की। उसके साथ एक जेनरिक स्ट्रक्चर जो कि एज पर द ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को सबमिट करना है। साथ में ईआईए रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट बनी है उसकी समरी इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में प्रिपेयर करनी है, जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सब कॉपी के साथ एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देनी अप्लाई करना होता है एसपीसीबी बोर्ड में या यूटीपीसीसी, जो यूनियन टेरिटरी अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो। उसके बाद इसके अलावा एप्लीकेंट सेल अरेंज टू फॉरवर्ड कॉपीज वन हार्ड एंड वन सॉफ्ट ऑफ द अबव ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट अलॉन्ग विद द समरी ईआईए रिपोर्ट टू द एमओईएफ फॉरेस्ट और जो फॉलोइंग अथॉरिटी, जो उस टेरिटरी की, उस एरिया की में जो फॉलोइंग जुडिशियल रहेगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस कंसर्न, रीजनल ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री MOEF, इनको भी ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट, EIA की समरी रिपोर्ट सबमिट कर, एक एक कॉपी सबमिट करनी होगी। नोटिस ऑफ पब्लिक हियरिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेन्यू डेट एंड टाइम इन वन मेजर नेशनल एंड वन लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर और एक नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिक हियरिंग की एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करनी होगी, पब्लिश करनी होगी, जिसमें वेन्यू डेट एंड टाइम बताना होगा। अ मिनिमम नोटिस पीरियड ऑफ 30 डेज सेल बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक फॉर फर्निशिंग देयर रिस्पॉन्सेज, 30 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। एडवर्टाइजमेंट सेल आल्सो इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द प्लेसेज और ऑफिसेज where the public could access the draft EIA and adjudicated summary, draft EIA की बारे में जानकारी लेनी हो पब्लिक को तो वो कहाँ से ले सकती है उसकी जानकारी भी एडवर्टाइजमेंट में देनी होगी। No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken unless some emergency situation occurs. Postponement shall be notified to the public through the same newspaper and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB. अगर कोई पोस्टपैन होता भी है तो
उसी न्यूज़पेपर में वापस पब्लिश करना होगा और SPCB को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा। प्रोजेक्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक हियरिंग, जो प्रोजेक्ट पब्लिक हियरिंग से एग्जेम्प्टेड, जिनको एग्जेम्पशन मिलता है, वो कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे? पब्लिक हियरिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी ए एंड कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग: मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज लोकेटेड विद इन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और पार्क्स अप्रूव बाई द कंसर्न अथॉरिटीज, एक्सपांसन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी फर्दर एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऑल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टाउनशिप्स, ऑल प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी और इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन एज डिटरमाइंड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्पशन है पब्लिक हियरिंग से। प्रोसीडिंग्स, आगे इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, क्या प्रोसीडिंग्स रहेगी, किस तरह से पब्लिक हियरिंग अरेंज होती है। द अटेंडेंस ऑफ ऑल दोज हु आर प्रेजेंट एट द वेन्यू शैल बी नोटेड एंड एनेक्स्ड विद द फाइनल प्रोसीडिंग्स। सारे पॉइंट नोटेड, वेन्यू में जो भी अथॉरिटीज रहेगी उन्हें सारे पॉइंट नोटेड करने होंगे और उन्हें एनेक्स्ट करना होगा आगे की प्रोसेसर के लिए, प्रोसीडर के लिए। एवरी पर्सन प्रेजेंट एट द वेन्यू शैल बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू सीक इन्फॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन ऑन द प्रोजेक्ट्स। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ भी क्लेरिफिकेशन मांग सकता है प्रोजेक्ट के बारे में। व्यूज एंड कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द रेगुलेटर। रेगुलेटर शैल आल्सो डिस्प्ले द प्रोसीडिंग्स ऑन इट्स वेबसाइट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। वीडियोग्राफी, रेगुलेटर शैल अरेंज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर प्रोसीडिंग्स। ए कॉपी ऑफ द वीडियो टेप और CD शैल बी एनक्लोज्ड विद द पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग्स एंड फॉरवर्डेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी कंसर्न। पूरी प्रोसीडिंग्स जो हुई है उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है उसकी रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करनी होती है CD, सॉफ्ट कॉपी CD के रूप में। पब्लिक हियरिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द रिक्वेस्ट लेटर। जो रिक्वेस्ट लेटर एप्लीकेंट देता है SPCB बोर्ड को, उसके 45 days के अंदर पब्लिक हियरिंग कंप्लीट करानी है। रेगुलेटर शैल सेंड द पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग्स टू द कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी विद इन 8 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पब्लिक हियरिंग। जो रेगुलेटरी बोर्ड है SPCB या UTPCC, उसे 8 दिन में पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग कंप्लीट करा के MOEF को 8 दिन में पूरी प्रोसेस भेज देनी है। जो हम कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि किन प्रोजेक्ट को, किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट उसमें पब्लिक हियरिंग में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, तो जो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट इस तरह से है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हेक्टेयर ऑफ माइनिंग लीज एरिया अगर 50 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है तो वो कैटेगरी ए में आते हैं, वो सीधे MOEF में जाएंगे तो MOEF में पब्लिक हियरिंग के लिए जाएंगे। कैटेगरी बी में B1 और B2 दो क्लासिफिकेशन है। B1 जो 50 और 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा और 50 हेक्टेयर से कम है, 50 हेक्टेयर या उससे कम, 50 हेक्टेयर से कम और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जो एरिया है वो B1 में जाएगा, और B2 में जो 5 हेक्टेयर से भी कम है वो B2 में जाएंगे। तो B2 तो विदाउट पब्लिक हियरिंग कंप्लीट हो जाता है, B1 में प्रोजेक्ट है वो पब्लिक हियरिंग के लिए जाएंगे। जनरल कंडीशन, एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन कैटेगरी बी विल बी ट्रीटेड एज कैटेगरी ए इफ लोकेटेड इन होल और इन पार्ट विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड
protected area notified under the Wildlife Protection Act 1972 Wildlife Protection Act के जो Protection Act में जो Wildlife Area decide हुए हैं notified हुए हैं उनसे 10 किलोमीटर periphery में अगर कोई project आ रहा है अगर वो category B का भी है तो भी वो as a category A का project में treat किया जाएगा. Critically polluted area as notified by the Central Pollution Control Board from time to time. इस तरह के एरिया जो है क्रिटिकल पोल्यूटेड एरिया में नोटिफाई किया हुआ है CPCB द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वो भी सीधे सीधे कैटेगरी ए में क्लासीफाई हो जाएंगे. नोटिफाइड इको सेंसिटिव एरिया अगर इको सेंसिटिव एरिया में आ रहा है तो भी वो सीधे सीधे कैटेगरी ए में 10 किलोमीटर की रेडियस में आ रहा है तो सीधे सीधे वो भी कैटेगरी ए में आ जाएंगे. और इंटर स्टेट बाउंड्रीज इंटरनेशनल बाउंड्रीज अगर इस तरह की बाउंड्रीज के पेरीफेरी 10 किलोमीटर में आ रहे हैं तो भी वो कैटेगरी ए में क्लासीफाई हो जाएंगे. कंटिन्यूस. ओके थैंक यू. आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको जो वीडियोज इस तरह के मैं डाल रहा हूँ जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान या माइनिंग से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है उन पर भी वीडियो डालूंगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर समझना रूल रेगुलेशन समझने में. तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. ओके थैंक यू.